तो दोस्तों सर्जी क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके लिए यहाँ पे साइको की जो क्लास है CBT 3 उसके लिए रेगुलर यहाँ पे जो है वीडियो प्रोवाइड कराया जा रहा है। मैं आज जो बात करने वाला हूँ वो रो कॉलम की बात करूंगा, जो कि मतलब कि थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल जो है इसमें अच्छा है। और ये जो क्वेश्चन मतलब जो भेजा गया है वो हमारे चैनल के एक लोग सुमित जैन हैं, उनके द्वारा ये भेजा गया है क्वेश्चन, और वो व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजे हुए थे। इसमें उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी, तो मैं भी सोचा कि इसी क्वेश्चन को आप लोगों के साथ जो है डिस्कस कर लेता हूँ कि आखिर मतलब ये दिक्कत क्यों आ रही थी। उनको आ रही है, ये प्रॉब्लम सबको आ सकती है, क्योंकि इसमें क्या है क्वेश्चन में थोड़ा सा मतलब कि जो आपकी वो की गई है फ्रेमिंग वो थोड़ी सी गलत की गई है, जिसकी वजह से उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी जो है लूज हो जाता है। तो इसीलिए आप लोग का भी ये प्रॉब्लम हो सकता है, इसीलिए मैं इसको ले आज सोचा कि इसको करवा देता हूँ आपके सामने, ताकि जो भी प्रॉब्लम है वो जो है दूर हो जाए। तो चलिए हम बात करते हैं कि रो कॉलम में आज जो हमने लिया है वो किस टाइप का जो है क्वेश्चन है। तो देखिए आपके पास ये आपके सामने दिखाई दे रहा है, इसको आप अच्छी तरह से पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्योंकि ये दिया ही जाता है कि आपको 30 सेकेंड में इसको पढ़कर और समझ लेना है और इसका आंसर आपको बता देना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि रो बी आपका ये हो गया और रो डी, ठीक है, रो डी आपका ये हो गया। तो बोला जा रहा है कि आपस में क्या किया गया है, इनको बदलने पर कॉलम डी में जो है सबसे कम बार कौन सी संख्या मतलब होगी। तो देखिए यहाँ पे इसलिए दिक्कत था कि ये जो है दे दिया गया था मतलब कि संख्या सी, इसकी वजह से दिक्कत आ रही है। तो इसको आप सही कर लीजिएगा कि कॉलम डी में सबसे कम बार कौन सी संख्या होगी, ये वाला जो है आप इसको हटा दीजिएगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है, ये जो है गलत दिया गया है। अब आप जो है इसको पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा कि पंक्ति या रो बी रो डी को आपस में बदलने पर कॉलम डी में सबसे कम बार कौन सी, ठीक है, संख्या होगी। अब आप इसको इजीली कर सकते हैं, तो इसकी वजह से जो है आपको थोड़ा सी दिक्कत हो रहा होगा, और आप थोड़ा जब ऐसा भी किसी बुक में मिले तो अपना कॉमन सेंस जो है जरूर यूज कीजिए कि या तो ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है, या तो जो है इसका मतलब कि पूछने का तरीका वो है गलत है। तो इस तरह से आप उसको जो है इग्नोर कर दीजिए यदि ऐसा क्वेश्चन आपको मिल रहा है, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है लूज हो जाएगा, क्योंकि आप तो मतलब अपने कंसेप्ट से सही है लेकिन क्वेश्चन जो पूछ रहा है उसको समझ नहीं पा रहे हैं, आंसर कुछ और दे दीजिएगा। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि वहां पे जो है आप कॉमन सेंस का यूज कीजिए। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ इसका अब राइट आंसर क्या होगा। देखिए बोला गया है कि पंक्ति बी और पंक्ति डी को आपस में बदलने पर, आपस में इनको बदल दीजिए, ठीक है, कॉलम डी में सबसे कम बार कौन सी संख्या होगी। अब देखिए इसको शॉर्टकट करने का तरीका क्या है, पूरा बदलने की जरूरत आपको नहीं है, पूछा गया है कि इसमें कॉलम डी में, तो देखिए कॉलम डी में भी आपको बदलने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए जब इसमें क्वेश्चन जो फ्रेमिंग किया गया है कि सबसे कम बार कौन आएगा, तो सपोज आप बदल भी देते हैं तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे 5 आ जाएगा, लेकिन तो ये तो इसी कॉलम की बात हो रही है, तो आप जो है बिना बदले इतना दिमाग न लड़ाए डायरेक्ट काउंट कर लें कि सबसे कम बार कौन आ रहा है। यदि आप इस तरह से भी देखिएगा, बिना बदले भी देखिएगा, इसको मैं आपको शॉर्टकट करने के लिए बता रहा हूँ कि यदि क्वेश्चन फ्रेमिंग जो हो रहा है उस पर ध्यान दीजिएगा तो आपको जो एक्स्ट्रा वर्क है वो नहीं करना पड़ेगा। जैसे अब विदाउट यदि हम पूछे कि कॉलम डी में आप बताइए कि सबसे कम बार कौन सा आया हुआ है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 है, ठीक है। यदि आप जो है इसको बदल आप इसको बदल लें कॉलम बी और कॉलम डी को, तो क्या होगा कि यहाँ पे जो है ये वाला 2 चला जाएगा और ये 5 यहाँ पे आएगा। अब मैं पूछूं कि आप बताइए कि कॉलम डी में सबसे कम बार कौन सा अंक आया हुआ है, तो भी क्या होगा, 2। तो इसका अभी भी जो होगा क्या होगा, राइट आंसर जो होगा वो आपका 2 ही होगा। तो ये जो है जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो थोड़ा सा दिमाग लड़ाइए कि क्या हमको पूरा प्रोसेस करने की जरूरत है कि नहीं है, क्या पूछ रहा है उसके अनुसार जो है आप जो है अपना आंसर दीजिए। तो आप जो है माइंड को बिल्कुल जो है शांत करके और उसको हमेशा मतलब ओपन रखिए, क्या पूछ रहा है उसी के अनुसार जो है आप कीजिए, पूरा प्रोसेस करने की कहीं कहीं जरूरत नहीं पड़ती है, बस आपको इसी तरह दे दिया जाता है भरमाने के लिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे देखिए यहाँ पे है कि रो सी, ठीक है, और कॉलम सी के मध्य अक्षर। तो देखिए रो सी और कॉलम सी के मध्य अक्षर के दाएं नीचे विकर्ण का अंतिम संख्या के बाएं तीसरी संख्या कौन सी होगी।
सबसे पहले तो आपको रो सी की बात करें तो ये आपका रो सी हो गया, और कॉलम सी की बात करें तो कॉलम सी ये हो गया, ठीक है। कि मध्य अक्षर की बात करें, मध्य संख्या की बात करें तो मध्य संख्या क्या हो जाएगी, इसकी हो जाएगी ये वाली, ठीक है। अब पूछा जा रहा है मध्य संख्या के दाएं नीचे विकर्ण, तो देखिए दाएं इधर हो गया आपका, बाएं जो होगा इधर हो गया, और नीचे जब भी आपको बीच का दिया जाता है तो आपको विकर्ण को डिफाइन करने के लिए ये बता दिया जाता है कि दाएं नीचे या फिर दाएं ऊपर या फिर बाएं ऊपर या फिर बाएं नीचे। तो यहाँ पे साफ साफ क्लियर किया गया है कि दाएं नीचे विकर्ण की अंतिम संख्या, तो इसका दाएं देखिएगा आप, ठीक है, दाएं आपका इधर होगा तो दाएं का अंतिम इसका कौन से होगा विकर्ण, इसका वन हो जाएगा, ठीक है। अंतिम संख्या के बाएं तीसरी संख्या कौन सी होगी, तो तीसरी संख्या आप देखिएगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, फोर हो जाएगा। तीसरी संख्या यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, फोर हो जाएगा, यानी कि आपका जो डी हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए आपका इसका राइट आंसर फोर हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे बोला गया है कि रो ए के उल्टे क्रम लिखने पर, इसको उल्टे क्रम में लिखने पर कॉलम ए के सबसे नीचे की संख्या, ठीक है, कॉलम ए की सबसे नीचे की संख्या के दाएं चौथे संख्या, दाएं चौथे संख्या ये हो गया, ठीक है, के विकर्ण की अंतिम संख्या, के विकर्ण की अंतिम संख्या, ठीक है, के दाएं चौथी संख्या, के दाएं चौथी संख्या ये हो जाएगा आपका, ठीक है। अब देखिए, अब ये तो आपका आंसर आ गया है, मतलब कि अभी जो आप सॉल्व किया है उसके अनुसार आया है। अब देखिए इसमें क्या बोला गया था कि रो ए को क्या करना है, उल्टा करना है, यानी कि इसको जो है उलटना है, यानी कि ये वाला आ जाएगा यहाँ पे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर हो जाएगा। तो ये आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, फोर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, इसको यदि कोई दिक्कत है तो फिर से बता देंगे हम। देखिए एक बार और देख लीजिए, रो ए क्यों बोला गया है, सबसे पहले जो है आप और क्या बोला गया है, ठीक है, उसको वहां तक पहुंच जाइए, और इसके बाद जो है ऑपरेशन जो बोला गया था पीछे उसको परफॉर्म कीजिए। इसमें बोला गया है कि रो ए को उल्टे क्रम में लिखने पे, ठीक है, सही बात है, चलो ठीक है, उल्टे क्रम में लिखना है, दिमाग में रख लिए, उल्टे क्रम में लिखने पर कॉलम ए के सबसे नीचे, तो देखिए इसको उल्टा क्रम में लिखिएगा तो कॉलम ए के सबसे नीचे जो संख्या पांच है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। यदि इफेक्ट पड़ता तो हम कुछ सोचते कि नहीं चलो उलट देते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कॉलम ए के सबसे नीचे की संख्या इसके इस ऑपरेशन से उलटने के जो ऑपरेशन किया जा रहा है, उलटा जा रहा है इसको, उसके ऊपर इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो अभी हम कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम देखेंगे कॉलम ए के सबसे नीचे की संख्या कौन सी है, तो पांच है, ठीक है, के दाएं चौथी संख्या कौन सी हो जाएगी, तो वन हो जाएगी, ठीक है, के विकर्ण की अंतिम संख्या क्या हो जाएगी, फोर हो जाएगा, ठीक है, के दाएं चौथी संख्या कौन सी हो जाएगी, तो वन हो जाएगा। अब हमको जो है उलटने की जरूरत है, तो हम क्या करेंगे, इसको जो है जानते हैं कॉलम फोर को, कॉलम ए को जो है मतलब कि अपोजिट करके लिखा गया है, तो ये वाला चार जो है आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा, वन जो है यहाँ पे चला जाएगा, तो हमारा राइट आंसर फोर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे बोला गया है कि ऊपर दाएं शीर्ष से, देखिए ऊपर आपका दाएं शीर्ष ये हो गया, ठीक है, ऊपर दाएं शीर्ष से चलते हुए बाएं अंतिम शीर्ष, यानी कि आप यहां से यहां तक चले, ठीक है, अंतिम शीर्ष से पहुंचकर नीचे अंतिम संख्या, नीचे अंतिम संख्या क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, अंतिम संख्या से होते पुनः उसी स्थान पर पहुंचे जहां से चले थे। अब देखिए यहाँ पे क्या है आपको कि आप दिमाग लड़ाइएगा कि हो सकता है भाई हम यहां से, ये भी तो हो सकता है हम डायरेक्ट यहां पे पहुंच जाए जहां से चले थे वहां से, और एक रास्ता इधर से भी है, ठीक है। तो देखिए जब भी आपको विकर्णवत नहीं देता है या फिर ऐसा नहीं बोलता है कि त्रिभुज बनाते हुए आप जो है जहां से चले थे वहीं पर पहुंचिए, तब तक ये वाला जो है रास्ता आपको चूज नहीं करना है। यदि आपको विकर्णवत या त्रिभुज बनाकर बोल नहीं रहा है तब तक आपको क्या सिंपल जो पाथ है उसको फॉलो करना है, यानी कि आपको जो इसमें जो फॉलो करना है पाथ वो कौन सा करना होगा, वो ये वाला पाथ करना होगा, ये इस तरह से सीधा जाते हुए आप जहां से स्टार्ट किए थे वहीं पे पहुंच जाइए। तो ये आपका जो है सिंपल सा ये वाला पाथ होगा। जब भी यदि आपको विकर्णवत या आपको त्रिभुज बनाकर ऐसा कुछ नहीं बोलता है तब तक ये वाला आप जो है मतलब कि पाथ को फॉलो मत कीजिएगा। यदि सिंपल बोल रहा है कि आप जहां से चले थे वहीं से आ रहे हैं तो आप डायरेक्ट ये वाला पाथ जो है चूज कीजिएगा। यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, यहाँ पे बहुत सारे लोग डायरेक्ट जो है दिमाग में भिड़ा लेंगे कि इधर से चले जाएंगे तो उनका जो है आंसर गलत हो सकता है। अब इसके बाद देखिए आगे क्या होगा, आगे जो पूछा जा रहा है वो क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, अंतिम संख्या पे पुनः उसी स्थान पर पहुंचे जहां से चले थे, तो तीसरे थ्री, ठीक है, तीसरे थ्री और तीसरे फोर के बीच की संख्या कौन सी होगी। तो देखिए यहां से आप चले थे
यहाँ से आप काउंट कीजिए कि तीसरे थ्री और तीसरे फोर कहाँ पे आ रहा है, ठीक है, ये आप रास्ता चले थे। तो देखिए एक तो थ्री यहाँ पे आ गया, दूसरा थ्री यहाँ पे है और तीसरा थ्री जो है आपका यहाँ पे मिल गया। तो इसको जो है आप जो है इसको मार्क कर लीजिए कि यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे मिल गया है तीसरे थ्री। अब देखिए यहाँ पे तीसरे फोर की बात हो रही है, तो यहाँ पे देखिए आपका फोर एक यहाँ पे दिखाई दे दिया, ठीक है, दूसरा जो है फोर यहाँ पे दिखाई दे दिया और तीसरा जो फोर है वो कहाँ पे दिखाई दिया है, यहाँ पे। देखिए तीसरे फोर जो है एक दो तीन, ये तीसरा फोर हो गया और तीसरा तीन, एक दो और यहाँ पे जो है तीन। अब इनके बीच की संख्या पूछा जा रहा है, तो बीच में कौन सी संख्या है, बीच की संख्या कौन सी होगी, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर जो होगा वो वन हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसमें थोड़ा सा आपको सावधानी बरतने की जरूरत है, आप ये वाला जो है विकर्ण को लेकर नहीं चलिएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे। तो देखिए इसको आप पढ़िए, इसमें क्या लिखा गया है, बोला जा रहा है कि कॉलम ई के सबसे नीचे की संख्या, ठीक है, तो देखिए कॉलम ये है ई आपका, इसके नीचे की संख्या कौन सी है, वन है, के बाएं संख्या थ्री है, के बाएं संख्या थ्री है, ठीक है भाई, बाएं संख्या जो है आपका थ्री है। तो इस प्रश्न यानी कि ये कंडीशन जो है आपका ट्रू हो गया कि कॉलम ई के सबसे नीचे की संख्या के बाएं जो है तीन है, ऐसा है, ये कंडीशन वाले क्वेश्चन होते हैं। तो इस प्रश्न का वही उत्तर होगा जो मध्य संख्या, तो इसका जो उत्तर होगा वो क्या होगा, जो मध्य संख्या के ऊपर दाएं विकर्ण की अंतिम संख्या। तो देखिए इसमें दाएं विकर्ण दे दिया गया कि दाएं विकर्ण की अंतिम संख्या, इस मध्य अक्षर के दाएं यानी कि इधर हो गया आपका के विकर्ण की अंतिम संख्या, तो विकर्ण की अंतिम संख्या क्या हो जाएगा, दाएं विकर्ण की अंतिम संख्या ये वन हो जाएगा। इसके बाद के बाएं अंतिम संख्या होगी, के बाएं अंतिम संख्या जो होगी यहाँ पे क्या हो जाएगी आपकी, इसका फोर होगा। यदि ये कंडीशन ट्रू नहीं होता तो ये वाला कंडीशन, यदि नहीं है ऐसा तो आपका, यदि मान लेते हैं यहाँ पे तीन नहीं होता, यदि चार होता तो ये वाला इसके अनुसार अब आंसर होता, लेकिन यहाँ पे क्या है कि कॉलम ई के लेफ्ट में जो है आपका थ्री है यानी कंडीशन ट्रू है, तो ऐसा है तो ये वाला कंडीशन होगा, यानी कि इसका आंसर जो होगा ये वाला होगा, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, फोर हो जाएगा। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन पे ध्यान देना है कि यदि आपका कंडीशन ट्रू होता है तो आप ट्रू वाले पे डायरेक्ट जाइए, यदि फॉल्स होता है तो फॉल्स वाले पे जाइए आप। यदि मान लेते हैं कि यदि गलत हो जाता है यहीं पे तो डायरेक्ट पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं थी, आप डायरेक्ट यहाँ पे आ जाते। जैसे आपने देखा यदि थ्री नहीं होता, यदि फोर होता तो ये वाली लाइन यहाँ से यहाँ तक पढ़ने की कोई जरूरत नहीं था। अब आपको इसमें सर्च करना था कि यदि ऐसा नहीं है तो कहाँ पे ये दिया गया है, तो ये वाला कंडीशन आप डायरेक्ट अब यहाँ से पढ़ के इसका आंसर आप देते। तो आप जो है किस तरह से टाइम अपना सेव कर सकते हैं, ये सारे चीज जो है अपने दिमाग में जो है बैठा के रखिए, ताकि वहां पे जो है जैसे ही यदि कंडीशन बनता है तो आपके दिमाग तुरंत क्लिक करेगा कि चलो कंडीशन यदि सही है तो ये वाला चलो हम करते हैं, नहीं है तो डायरेक्ट जो है हम शिफ्ट कर जाते हैं नहीं वाले कंडीशन पे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे बोला गया है कॉलम डी को कॉलम बी से बदलने पर, देखिए कॉलम आपका जो है डी यहाँ पे है, कॉलम डी ये हो गया और कॉलम बी जो है आपका ये है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि बदलने पर रो ई के सीधे चलने पर, तो देखिए रो ई ये है सीधे चलने पर अंतिम संख्या, अंतिम संख्या आपका क्या हो गया, वन हो गया, से होते हुए सबसे, यहाँ पे देखिए इस पे भी आप जो है सुधार लीजिएगा, यहाँ पे क्या है सबसे, यहाँ पे जो वर्ड यूज होगा सबसे ऊपर, सबसे ऊपर की संख्या के संख्या ये हटा दीजिए, के संख्या के मध्य कौन सी संख्या होगी, यानी कि यहाँ पे जो आपको ऐड करना होगा वो क्या करना होगा, यहाँ पे ऊपर, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे जो है आपका दिया गया है कॉलम बी, कॉलम डी से बदलने पर रो ई से सीधे चलने पर अंतिम संख्या से होते हुए ऊपर की संख्या के मध्य कौन सी संख्या होगी। अब देखिए यहाँ पे आए आप, यहाँ से चले हुए थे तो आपके यहाँ पे जाने के बाद मध्य संख्या कौन सी होगी, तो मध्य संख्या जो आएगी तो ये वाली, ये पूरा यहाँ से यहाँ का बीच में जो मध्य संख्या आएगा वो क्या आएगा, वन आएगा, ठीक है। अब देखिए मध्य संख्या तो ये मिल गई, अब बोला जा रहा है उस संख्या के विकर्ण का तीसरा कौन सा संख्या होगा, तो इसके विकर्ण का तीसरा संख्या कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे वन हो जाएगा। अब देखिए ये जो वन आया हुआ है, अब यहाँ पे आपको जो है ऑपरेशन जो पहले परफॉर्म किया गया था वहां पे ये वाला कर दीजिए। इसमें क्या किया गया था, कॉलम डी और कॉलम बी को बदला गया था, यहाँ पे कॉलम बी, कॉलम डी और कॉलम बी को क्या किया गया था, बदला गया था।
तो इसको जो है आप बदल दीजिएगा तो यहाँ पे जो है 5 आ जाएगा और यहाँ पे क्या है आपका 1 चला जाएगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका 5 हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे बोला जाएगा वह कौन सी संख्या है जो कॉलम ए बी सी डी और ई में से किसी एक में 2 से अधिक बार आई है। तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि कॉलम ए कॉलम बी कॉलम सी कॉलम डी और कॉलम ई में ऐसी कौन सी संख्या है जो 2 से अधिक बार आई है। किसी एक कॉलम में ऐसी कौन सी संख्या है जो 2 से अधिक बार आई है। तो देखिए यहाँ पे देख रहे हैं 4 जो है 2 बार आया हुआ है तो ये हो नहीं सकता है। 3 भी यहाँ पे 2 बार आया हुआ है, यहाँ पे 1 भी जो है 2 बार आया हुआ है, यहाँ पे 5 देखा जाए तो 2 बार आया है, यहाँ पे देखा जाए 1 जो है वो कितने बार आया है, वो 3 बार आया है, यानी कि 2 से अधिक बार आया है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे और वह किस कॉलम में है, तो वो कॉलम ई है आपका, उसका मध्य संख्या, अब कॉलम ई का मध्य संख्या क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, के बाएं दूसरी संख्या, बाएं दूसरी संख्या क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, के तुरंत ऊपर कौन सी संख्या है, तो इसके ऊपर जस्ट क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि दी गई तालिका में कौन सी संख्या को कौन सी संख्या की जो बारंबारता है सबसे अधिक है। तो देखिए बारंबारता मतलब होता है कि किसी भी अंक के आने की जो है फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा है, कौन जो संख्या है जो सबसे ज्यादा बार इसमें आया हुआ है। तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, काउंट करना पड़ेगा। एक तरीका ये होता है कि आप जो है ऑब्जर्वेशन कर लीजिए कि कौन सी संख्या सबसे ज्यादा बार आई है, उसी को सबसे पहले काउंट कर लीजिए। जैसे ऑब्जर्वेशन में एक बार आप टेबल देखिएगा तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हर एक जगह 3 तो 1 इसी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, 2 1 यहाँ पे और आपका 2 1 यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जब ये 7 बार हो गया तो ये मैक्सिमम 7 बार जो है कोई भी संख्या जो होती है वो जो है यदि 7 बार आ गई तो मान के चलिए कि उसकी जो मतलब उस टेबल में आने की संख्या सबसे ज्यादा उसी की होगी। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। यदि चाहें आप तो काउंट भी कर सकते हैं, लेकिन ऑब्जर्वेशन से ये इस टाइप के क्वेश्चन को आप इजिली कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं यहाँ पे आपसे। यहाँ पे जो दिया गया है कि रो ए और कॉलम ई, ठीक है, रो ए आपका ये हो गया और कॉलम ई के विकर्ण को उल्टे क्रम में लिखने पर। तो देखिए ये वाला आपका रो ए का कॉलम विकर्ण हो गया और कॉलम रो ए का तो ये विकर्ण हो गया, कॉलम ई का जो है ये वाला विकर्ण हो गया। ठीक है, इसको क्या करना है, उल्टे क्रम में लिखना है। ठीक है, दिमाग में रख लिए कि उल्टे क्रम में लिखना है। इस प्रश्न का वह उत्तर होगा जो उस संख्या के ऊपर दूसरी संख्या के बाएं दूसरी संख्या के विकर्ण की अंतिम संख्या होगी। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है कि ये चीज आपको पकड़ना होता है कि इस संख्या मतलब उस संख्या यानी किस संख्या के बारे में ये बात कर रहा है। तो उसके लिए जो है आपको थोड़ा सा क्लू जरूर दिया रहता है। जैसे यहाँ पे दिया गया है आपको कि जो कॉलम ए, ठीक है, कॉलम ए के सबसे नीचे संख्या के विकर्ण की दूसरी संख्या है, यानी कि आपको जो है यहाँ पे क्लू दिया गया है कि उस संख्या यानी कि कौन सी संख्या है वो, तो कॉलम जो है आपका ए के सबसे नीचे की संख्या के विकर्ण का दूसरा संख्या, यानी कि ये दिया गया है आपको, ये आपका क्लू है कि आप जो है उस संख्या को पहचान कर सकें। तो देखिए उस संख्या यानी कि ये 4 हो गया, के ऊपर दूसरी संख्या आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो बोला जा रहा है दूसरी संख्या के बाएं दूसरी संख्या यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, के विकर्ण का अंतिम संख्या, विकर्ण का अंतिम संख्या यहाँ पे क्या है 1 है यहाँ पे इसके विकर्ण का अंतिम संख्या। अब देखिए यहाँ पे क्या किया गया है कि विकर्ण को उल्टा क्रम में लिखा गया है, इसका यहाँ पे जो आंसर अभी आ रहा है 1 आ रहा है, लेकिन जब आप इसको रिप्लेस कीजिएगा तो ये क्या यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा और ये 1 जो है आपका यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सबसे पहले आप जो है देखिए कि जिस संख्या के बारे में बोला जा रहा है, जैसे कि यहाँ पे ये अननोन है, इसके बारे में कुछ पता नहीं है, तो इसको कैसे पता करें, तो आपको जरूर कुछ ना कुछ वहां पे क्लू दिया रहेगा, तो उस क्लू के थ्रू आपको जो है इसके बाद ये क्लू मिल जाएगा, तब जो है आप यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कीजिएगा। तो ये भी ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिलते हैं जिसके बारे में पहले नहीं मालूम रहता है, लेकिन जब आप लास्ट में जाइएगा थोड़ा सा
तो आपको जो है समझ में आएगा, लोग यहीं से भाग जाते हैं कि भाई उस संख्या यानी किस संख्या की बात की जा रही है, और ये क्वेश्चन डायरेक्ट छोड़ के चले जाते हैं, उनके पास टाइम भी रहता है तब पर भी नहीं कर पाते हैं। तो आप जो है लास्ट तक उसको पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा कि किस संख्या की बात की जा रही है, फिर उस संख्या को लेकर जो है अपना क्वेश्चन जो है आप सॉल्व कीजिएगा, तो आपका जो आंसर होगा वो राइट आएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो है आपको डिफिकल्ट लेवल की जो सीरीज है समझ में आ रही होगी। ये तो जो मैं अभी बताए थे कि वो व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजे हुए थे, वही मैं आपको लेकर यहाँ पे समझा दिया कि ताकि आपको भी कुछ प्रॉब्लम होगा इसमें तो आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा हम लोग का सीरीज का, तो वो आपका वॉच टेबल का होगा, उसमें भी जो डिफिकल्ट टाइप के जो क्वेश्चन होंगे वो हम आपको करवाएंगे, और जो है जब तक आपका पेपर नहीं हो पाता है तब तक जो है ये सीरीज जो है कंटिन्यू चलती रहेगी। आप जो है लगातार मेरे साथ बने रहिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू दोस्तों।